बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग एनालिसिस रूम में आया लैला निसा। नाज़रीन ताके पेरी खबर दिना से तागुणो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कोलोराडो में इलेक्शन विढ़ण लाए ना अहल करार। यो तवां के इन लाए बुधाया पई त सियासतदानन जे ना अहल थियण वारो सिलसिलो या ना अहल थियण वारी गाल सिर्फ पाकिस्तान में कॉमन ना है पर दुनिया जे बियन मुल्कन में भी थींदो आहे। सो डोनाल्ड ट्रंप जेको अगूणो अमरीकी सदर आहे हू डिस्क्वालीफाई थी वो है एकड़ी पर्टिकुलर स्टेट में एक केस हो कैपिटल हिल जो उन हमले में मुलविस हुआ सबब हू चूंड उम्मीदवार उन फलानी उन पर्टिकुलर स्टेट में कोलोराडो में न बनी सको। ए तरफ हाँ वापस अचूँ तेजे मुल्की सूरत हाल से जिस तक अपडेट दियणी हुई तो थे पो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी हित जे ना अहल सियासतदान हैं अज थोड़ो उन कोशिश कदे तो तजिए निगार वटा तजियो भी वूँ पर कुछ लीगल पासन के भी ऊँ छो तो अजोकी इ भी खबर है तो पीटीआई के मौजूदा चेयरमैन ऐलान कर छो है अगुणो चेयरमैन पीटीआई टिन तक इलेक्शन विढ़ण वे पो जैमें इस्लामाबाद बेन उ तक शामिल यानी टिन तक ओवरऑल मजमुई तौर पर मियाँवाली इस्लामाबाद ए लाहौर में जो अगुणो चेयरमैन पीटीआई है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कह पर प्रोग्राम में सवाल यो रखे तो यो मुमकिन है जैसे इनके लीगली असर की कोशिश क्यों छो तो उन्होंने तक याद हों केस में ना अहल करार दिनों वो हो सिमिलरली वक्त असी इन सिचुएशन के अगर जैसे एनालाइज क्यों एक तरफ नू लीग जो कायद नवाज शरीफ बे तरफ अगुणो चेयरमैन पीटीआई वो बई सिमिलर सागी सिचुएशन का गुजरी रहा है ना अहल आन दिठो वे तो डिस्क्वालीफाइड इलेक्शन कंटेस्ट नथा करे सगन पर उन बावजूद भी कैंपेन हले थी चूंड सरगर्मी में बही पार्टीज मसरूफ तो अचन पय पर सवाल यो रखा से तो एक जेल में है बे के आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ तो मिलन वे पो पर बही जो दावा कन था तो असि उन बावजूद भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कदे तो यो आखिर मुमकिन क्या थी। सो हलूँ तो पैनलिस्ट वट मुख्य स्टूडियोज में जॉइन किया है सीनियर सहाफी तजिया नगार फ्याज नाहिद साहब। फ्याज साहब अस्सलाम वालेकुम, वड़ी मेहरबानी टाइम देने के लिए। बे तरफ असंखे जॉइन कर चुका सीनियर सहाफी तजिया नगार इमदाद सुमरो साहब। इमदाद साहब अस्सलाम वालेकुम, अवे भी भलेकार चवान थी, वड़ी मेहरबानी। इजाजत का शुरुआत जो है फ्याज साहब का कर वजे थी। फ्याज साहब क्या तुम ऐसो बे एक अगुणो चेयरमैन अज तो खैर पीटीआई बाकायदा तौर इन हवाले से ऐलान कर छो है तो अगुणो चेयरमैन जो है वो टिन तक इलेक्शन कॉन्टेस्ट कह पाकिस्तान है खबर आ जबरदस्त किस्म जो मुल्क है माशाल्लाह 1947 में असा आज़ादी हासिल कई आन दिठो तो असा किए जो है कन्विक्शन्स कन्विक्शन के बावजूद भी जो है असा बाहर हलिया वेंदा आहियूं जहाज़ इंदा आहिनि जहाज़ में असा चढ़ी बाहर हलिया वेंदा आहियूं बैगू भरे हलिया वेंदा आहियूं वरी पो 10 साल लिखी दई वेंदा आहियूं तो 10 साल से न कंदासीं पर वो वरी डील थींदी आहे असा वरी मोटी वेंदा आहियूं वरी असा इलेक्शन विढ़ंदा आहियूं वरी असा बे दफे असा के पंजो कन्विक्शन थींदी आ असा पो वरी जो है असा प्लेटलेट्स हेठ मथे थी वेंदा प्लेटलेट्स हेठ मथे थियण जे करे असा के असा डॉक्टर साहबान जेके उ अची लिखी दींदा तो बाबा इनके बाहर मोकिलियो असा बाहर वेंदा आहियूं असा कोर्टूं बाकायदा वो कंदा तो बाबा इनके बाहर मोकिलियो ये मुल्क जो जो असासो आ ब दफा टे दफा वजीर आजम थी चुको आए तमाम वो असा हलिया वेंदा आहियूं वरी पो पाकिस्तानी सियासत में कुछ भी मुमकिन है वरी पो असा विंदा आयो तो असा जो जी जहाज में चढ़ना आयो प्लेटलेट्स स्टेबल थन शुरू थींदा आयो पो असा उते विंदा आयो पो असा जी इलाज अलग केतरा अरसे ते हलंदो आ वरी पो असा मोटी दायो कन्विक्शन असा जी हुंदी आ असा सिधो जो जहाज असा के पजो हाई कमिश्नर जो असा के सी ऑफ कंदो आ कन्विक्टेड मानू के हाई कमिश्नर सी ऑफ कंदो आ उनका पो असा वरी इते लंदा आयो सजो अमलो अची जो असा खा वेरिफिकेशन ले असा के जहाज में अची पहुंचंदो आ उनका पो असा लहंदा आयो जलसे खिताब कंदा आयो तो ये जिकर यो सब कुछ जिकर थी सके जिकर यो सब कुछ थी सके यस यो सब कुछ इलेक्शन भी कंटेस्ट कर सके यो जिकर थी सके तो यो सब कुछ तो पो ही भी थी सके तो ठीक है यानी हो थी सके तो ही भी थी सके। दमदार साहब छा तमा जो छा ख्याल है समूरी कहानी जको है फ्याज साहब एक बुधाए वया असा के तो कुछ भी पॉसिबल है पाकिस्तान की सियासत में आज जको ही पीटीआई ऐलान कयो है तो भई अगुणो चेयरमैन पीटीआई ट्रिन तकन ता इलेक्शन कंटेस्ट कंदो ए गडो गड हु पहरियों मुसलसल पीटीआई के एतराज रहा मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैयार तो खैर उन्होंने वह भी गाल करे छी तो उन कें भी इस्तीफे जो मुतालबो को क्यों पाया सो क्या ऐसो पाया डेवलपमेंट के फ्याज साहब तो हकीकतू बुधाई
मुलाजिमत थो है पर हाँ असट यो भी थो है हजार ब की चूड नवाज शरीफ के नवरण दिनी वही हुई मोहतरम बेनजी भुट्टो के नवरण दिनी वही हुई उन हजार अरड़ की चूड हुई अठ की चूड उन नवाज शरीफ साहब लड़ी सकिया हुआ सो ये हकीकतू असट सूरत है बस इन वक्त बे शूं पॉलिटिकली सियासी तौर से चेयरमैन सबक चेयरमैन पीटीआई जे इलेक्शन फैसलो चुको है तो इलेक्शन न विढ़ा कानूनी तौर से जो फैसलो है वो यो है तो नाहल है इमरान खान साहब सजा याफ्ता नवाज शरीफ जो पोजिशन इमरान खान की नवाज शरीफ की बराबर पोजिशन बुधाई पे इंट्रो में ये ना है नवाज शरीफ साहब जे हाँ सजा याफ्ता ना रहा नवाज शरीफ की जो कन्वेक्शन हैं वो खलदम खत्म जी हाँ नवाज शरीफ विड़ी था इलेक्शन आयात नाहली वो मामलो वो सुप्रीम कोर्ट टेकअप कर छो है अच्छा हाँ हेदे जो मामलो है साबिक चेयरमैन पीटीआई जो उनमें हम ऐसो एडो अजीबो गरीब किस्म की अनाउंसमेंट की है टिन तक चूंड विढ़ा भाई टिन तक हाँ जहल हुजन भी तो नी सकन चूंड पाकिस्तान की पार्लियामेंट 2022 में यो कानून ठाए चुकी 21 में यो कानून ठाए चुकी है 2022 में बल्कि यो कानून ठाए चुकी है तो बिन तक तक के उम्मीदवार चूंड नो विड़ी सके याद हों पीटीआई रिजाइन किया हु कौमी असेंबली उनमें जे जिमनी चूंड करा शुरू थी हुई तो उनमें उन्होंने ऐलान किया साबिक चेयरमैन पीटीआई तो भाई 125 सीटों का पा अकेो इलेक्शन वर्स सो उन किस्म जो मैच क्रिएट करने उनको हो रवैयो उन रवैये का बचण ला मुस्तबिल में जो जाहिर खर्च तो थे कौम जो तो ही हाँ इन मामले की क्या अगते खड़ी विदा छाई जस्ट एकड़ो बयान आए जी तमाम कानून जो भी जिक्र कयो त छा चेयरमैन पीटीआई ने पान कानून से ताल्लुक रखे तो उनके इन मामले की खबर कोन आए नो पब्लिक कंजप्शन ले आई हो ट्रिन तकन वाले मामले के मुख्य हैरत आए ट्रिन तकन उन्होंने ऐलान किए कि ट्रिन तकन के कागजात जमा थी सकन था उनका पो जेकर उनन का कागजात जेकर अहल हो जंत अवल तो उनका कागजात ही रिसीव नहीं था जाहिर होते इतराज थी तो कागजात मुस्तरद हां तो जान का नाम सदगी जा कागज पे ऐसे जमा कराइंदा सी यही उनन गाल कही है जी हाँ बिल्कुल अरे जमो कराने उन्हें क्या तो चिंत चिंत करता चूंड विढ़ा जमो कराने की भी गाल है चूंड विढ़ा जी हाँ तो चूंड विड़ी हुआ था सगन चिंत करता ठीक है अच्छा फैज साहब तो ही इटसेल्फ एकड़ो सवाल ही आए तो चेयरमैन पीटीआई पान कानून से ताल्लुक रखे तो इमदाद साहब कानून जो जिक्र कयो उन बावजूद पीटीआई ने आखिर छा गेन करन जाई तवज्जो हासिल करन जाई अहम गाल है लैला जका ता अहम गाल जका इंट्रो में बुधाई आ उनके जो रिलेट कयो तो अमेरिका सा जी अमेरिका के अंदर छो हो ये 9 मई वागुर वाक्य थो 9 मई वागुर वाक्य कें थो जैसे ट्रंप साहब इलेक्शन हारा वह हुआ 2020 जी तो उनमें हो तो उनमें पैंजो 6 जनवरी से जैसे उन हलफ पे खो बाइडन जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट हो इन्हें जो हलफ खड़ा कैपिटल हिल के सामू जो उनकी हुआ उनके मथा ट्रंप के सपोर्टर्स हमलो हो उनके केस उनके नतीजे में केस दाखिल थे हुआ पे 725 मानू से केस दाखिल क्या हुआ पो वो बिन साल तई वो अंग जो हज़ार थी चाहे इन्वेस्टिगेशन कई पे वो वो टिन साल तई वो अंग 1200 थी वो केसिस रजिस्टर थे 1200 मानू से पर जो उन्हीं गाल थी 102-103 छो नो थे ठीक है ना तक याद हों तो उन्होंने जो है ट्रंप साहब के उत यो जो सागो केस आ फेडरल कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हल्द आ पर उत्ते जो उन जनवरी में उनकी हियरिंग थी पर ही कोलोराडो की अदालत उनके उन मामले में जो बुधाई है जो सजा जैसे तुम रेफरेंस दिनों तो अन्या बेन के सजा अचे अचे पर जो मेन कल्परेट हो उन्हीं के सजा पेरे आई आ असा वट अन्या तई वो मेन कल्परेट उन केस में अन्या यस अन्या वो उन उनमें अन्या आयो ही कोने उनते अन्या ये चार्ज लगी 102 मानू कैद हैं वे इन केसेस में कैद हैं उन्हें जो केस पे वो तो मिल्ट्री कोर्ट्स के अंदर हलंदा पर जो जैसे बारे में असान इदार तो वो मेन कल्परेट आ वो जो कंस्पायरेसी जो इंजीनियर कई सजी असान इदार जिम्मेवार मूँ अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बुधा उन्हीं के अना तई वो जो मेन आर्किटेक्ट आ उन सजी कंस्पायरेसी जो उन्हीं के मथा वो केस फ्रेम भी न थो उन्हीं के अना तीन मिल्ट्री कोर्ट के अंदर उनके उनको चालान ना पेश किया वे में वही हैरत की गाल है जो तुम कंपेरिजन कर पाया तो मैं चाहो साग वक्त अस कंपेयर करण घुर्जे तो अस 102 मानू जो उ मिल्ट्री कोर्ट्स में आन पा पर जो मेन कल्परेट है उत उतें मेन कल्परेट के जो कंस्पायरेसी जो मेन आर्किटेक्ट हो उन्हीं के सजा अची वही बाकी बन जहा केसिस पाया हलन
यो फर्क का बेसिकली सही त पो ही ता इन मामले के आखिर पर सो की पाया मतलब ठीक है ता पेरो एकड़ी कहानी बुधाई उन का बाद में ता इनी सिस्टम्स के कंपेयर कयो त मेन कल्प्रेट जको है सामू अची वो न के सजा बे मिली वई पो ही आखिर पीटीआई अच्छा पीटीआई पेरो जको है मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ते वरा एतराज होया अगोने चेयरमैन पीटीआई के भी हाने हु चवंदा त भाई असा हुन सा जको है के विस्तीफे जो मुतालबो पे कोन कयो कल वडी जको है सुप्रीम कोर्ट बार है पाकिस्तान काउंसिल बार मुतालबो कयो त जको मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उन के मुस्ताफी थन को जे हां अज वरी पीटीआई जको है बी गाल करे थी त ही पाजो छा सोचन ता मुशावरतू हलन थी त थोड़ो नैरेटिव के या गालन बोलन के हेडा होना कजे प्या साहब मुझे ख्याल में जो कल जो थो मुख्तलिफ प्रोग्राम में टिन्ही मेजर पॉलिटिकल पार्टीज जैमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ए पीटीआई टिन्ही अस चूडू जो 8 फरवरी से उनमें का भी डिले असा ना चाहूँ एक इको लाउड किस्म जो क्लियर लाउड किस्म जो मैसेज कल वो यस मेजर पॉलिटिकल पार्टीज तरफा यो आयो नंबर वन बी जी अस वकील साहबान की जी तहरीक उनसा उन टिन्ही पार्टियन उनसा इन गाल जो खदशो वधे तो असो मामला इलेक्शन जो 8 फरवरी वा वो इल्तवा में पैजी सकन था इन्हीं गाल सुप्रीम कोर्ट जो तकबंदन वाला जो केस हुआ उन ये फैसला अस 8 फरवरी का कहूँ वक्त जो भी है नक्शा इन सही इन गलत पर अस चाहूँ था इलेक्शन थे उनका पो इन गाल्हि जो बचार तकन ते या उनते जे कने का गाल जस्टिफाई थी तो उते बीहर त पंजो इलेक्शंस कराए सकजन था पर फिलहाल जो आईन जी जिम्मेवारी आ है उन तहत इलेक्शन जो जो तारीख नला उनते थन गुर्जन मुझे ख्याल में मुल्क जे अंदर पाकिस्तान जी सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुल्क जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ईएन स्टेक होल्डर्स वकील साहब ठीक हैं असा के उनन जे ला एहतराम आ पर बेसिकली जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं वरी एसोसिएशंस हैं ना मतलब जो कल भी जो डिस्कशन हलो उनमें यो हलो पे तो जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं असल में स्टेक होल्डर वो हैं ना वो जो कर उनन मा का एकड़ी पार्टी भी जो कर इंतरा जी सपोर्ट में भी है जो को चयो पे शायद पीटीआई सवाल होते तो वो सवाल होते तो ट्रिनी वडन पार्टी सरफा यो लाउड एंड क्लियर मैसेज अचे पर डॉक्टर साहब नवाज शरीफ के बारे में असी वधिक समझन चाहिंदा से तो छा नवाज शरीफ साहब इन जी चूडू थे आम चूडू इन में बाकायदा तौर से हिस्सो वे अहल सवाल है यो सुप्रीम कोर्ट भी उसारियो है सुप्रीम कोर्ट तदे सवाल उसारियो है तो मामलो जो है सुप्रीम कोर्ट फैसलो हो हयात नाहली वो उन मथा जो पार्लियामेंट कानून ठाको 62(1)(f) तहत जो नाहली है वह हयात न होंगी बल्कि 5 साल होंगी तो उन लीगल एक्सपर्ट्स ये चवन पाया नवाज शरीफ ना अहल थी वाहर यो फैसलो एकड़े पासे पयो आहे एकड़े पासे कानून आहे ताने अदालत वंस फॉर ऑल इनके सेटल करण चाहे थी जिनके लिए 7 रुकनी बेंच ठही है सुप्रीम कोर्ट की 2 जनवरी से उनकी समाप्त भी थी जो तशरी पार्लियामेंट कई है कानून की वह तशरी हतमी होंगी है असा दिखो हों तो चीफ जस्टिस उनके बया ब्रदर जज साहबान उन्हें मुख्तलिफ केसन में चाहे वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट हुए या बया मामला हुजन उन्होंने वो चई चुका है वाजे लफ्सन में कानून साजी पार्लियामेंट जो कम है सुप्रीम कोर्ट उनमें मुदाखलत नथी करे सके तो वो कानून थयल है हाँ सुप्रीम कोर्ट इनके सजाई जो कुछ जेड़ो है उन तनाजो है उनके खत्म करने लाइ मुझे ख्याल है तो यो केस चेकअप कर नवाज शरीफ साहब की गाल करे वठूं तो उनके को फायदो मिलने वारो आए इन केस के कानून मा जी बिल्कुल मुखे यो लगे पियो छाकन सुप्रीम कोर्ट तो बयान जे लाए भी रास्ता टेक्निकली खुली विंदा दिसो नाइल इन वक्त बवरी बवरी सियासी शख्सियतू है न तायात एक नवाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट के फैसले तहत जहांगीर तरीन साहब उन्होंने के पार्लियामेंट पंजी कानून साजी के जरिए अहल करार दई छो है वह जो नाहली 5 साल 5 साल खत्म थी वह हाँ केर भी जुबा नवाज शरीफ साहब का कागज जमा थींदा तो केर भी अची उनके चैलेंज कह नवाज शरीफ के मदे मुकाबले केंद्र चैलेंज कह तो ये तो ना आयल है सुप्रीम कोर्ट के फैसले मुताबिक तो इन में नो एक जोड़ो नो तनाजो शुरू थी वो सो उन तनाजे का बचने ला सुप्रीम कोर्ट जो है यो इन मामले के तय कर चाहे थी तो फैसलो जो है वो पार्लियामेंट जी कानून साजी जो प्रिवेल कंदी या वरी सुप्रीम कोर्ट जो फैसलो प्रिवेल कंदो तो मुख्य लगे तो पार्लियामेंट जी कानून साजी प्रिवेल कंदी नवाज शरीफ के जहांगीर तरीन के
सुप्रीम कोर्ट जे मामलो टेकअप करण जो फायदो ही थींदो। चलो ठीक है, नवाज शरीफ साहब जा रस्ता या पैनो जहांगीर तरीन जा रस्ता रे सम तो ठीक है, थोड़ा क्लियर क्लियर नजर आ जा, पर हाने अगुणे चेयरमैन पीटीआई जो छा थींदो फया साहब? वो तो इमदाद साहब बुधायो न तो उन ते मथा कन्विक्शन आ। ठीक है, जदे त हु जके उन जे मथा जका न त ही छा स्टेटमेंट कायमियत कोन रखे पई केड़ी ट्रेन तकन ता मिलण जी एक तरफ वो जेल में बे तरफ कंटेस्ट करण जो गाल ट्रेन तरफ कानून जके एग्जिस्ट कन था पीटीआई जा होन एफर्ट्स इन तो के असा ही कदा से पीटीआई नॉमिनेशन फॉर्म वठंदी, पीटीआई वो नॉमिनेशन फॉर्म भरिंदी, नॉमिनेशन फॉर्म जदे विंदा आरओ वट तो जाहिर है एतराज़ थी तो ये कन्विक्टेड शख्स है जो अहमदाबाद साहब जो प्रोसेस तक बुधा पे मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में वो सागो प्रोसेस जो लागू थी कन्विक्शन के करे उनका कागज़ जो मोस्ट लाइकली वो आर ओ साहब जो रद्द कर छा तो मुझे ख्याल में तो इनमें प्रोसीजर ढो क्लियर आ। अच्छा। ही पीटीआई मतलब न्यूज़ क्रिएट पे करे एकड़ी हवा पे क्रिएट करे तो अस ही कहे या शायद वोटर आ सपोर्टर आ उनके बूस्टअप कर वो डे पी ए वही नो केस पे डेवलप करे तो अस विक्टिमाइज क्या वैसे असके अदरवाइज तो ढो क्लियर आ तो भाई जो जी बीबी साहब मियाँ साहब बई मुल्क बाहर हुआ उनके इलेक्शन कंटेस्ट कर दिनी वही पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है वह पार्लियामेंटेरियन के नाले में नई पीपुल्स पार्टी ठाई वही जैसे सदर अमीन फहीम साहब के ये सब मुशरफ के ढीन में बई पार्टी ये इलेक्शन का परे रखने वाली हरकतूं थीं थियूं उन्हीं जो विक्टम्स अगवाट आहिन उन्हीं के अगे हो भोगे चुके। अच्छा, हाँ भी पीटीआई इलाही शिकायतूं करे पई त असां के न कन्वेंशन करण देनी वञन पई उन के जलसा न का कैंपेन प्रॉपर्ली रन करे जेको आए कोन देनी वने पई त न जेको हल भला कोन आए कुछ या जल्दी कुछ टाइम जेको आए हाँ भी बचो आए अगते हली करे भी कन्वेंशन के खिताब या कुछ भी करे सकन था मुझे ख्याल में तो यो या यो भी खाली बहानो ही आए जी पण उन अगवाट जका स्टेटमेंट ना यो तो सिंधु जे बलूचिस्तान जे वनन के छा उन के रोके वाई नजर थो तो उनमें उनन के प्रॉब्लम्स आहन जाहिर हो उन जो सबब यो आ तो उनन टकराव वाली प्रॉब्लम्स या समूरे पाकिस्तान में अचन पया कन्वेंशन के खिताब करण जला या कन्वेंशन तो जी सिंध पई आए सो कन्वेंशन तो होते कना जते कन्वेंशन उनन जी सपोर्ट बेस उन जो वधिक होदो ना उते पावर शो कदा ना मिसाल तौर हाने पान यो ऐसो तो सब पार्टियों मिसाल तौर बलोचिस्तान में पीएमएलएन तो अंत को जलसो न किया पीपल्स पार्टी किया पर बलोचिस्तान में पीएमएलएन तो को जलसो न किया पीएमएलएन चवे तो असके बलोचिस्तान में जलसो न तो करन वे ता कई ना है तो कन्वेंशन को पनी मर्जी मुताबिक कदो जिते जो बेस मजबूत हुंदो उते कन्वेंशन कदा उते पनी स्ट्रेंथ ते करना मसल उते देखंदा शिकायतूं लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलण पार्टीज परा वडो यो जारी आ हन वक्त ताई वधी कन ते एक ब्रेक खां पोए गालाइंदा से त छा जदे खां यानी गुजरल कुछ महीनों का असि दिसंदा अचूं पिया तो लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायतूं वड्यूं पंहिंजो सभिनी इन मेजर पार्टीज के तरफा अचनि पियूं तो छा हाँ जी पंहिंजो इलेक्शन की डेट अची वही सब मामला थिया का इन में कमी कोताही आई आहे या न एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है ब्रेक खां पोइ डिस्कस कयूं था। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक खां अगर में गाल कयूं पया तो गुजरियल कुछ टाइम खां मुख्तलिफ़ सियासी पार्टीज ए सियासतदान लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलण जो शिकायतूं दाहूं करे रहा हुआ तो पैंजे एनालिस्ट अगया यो भी असी सवाल रखने की कोशिश कंदासी तो छा उनन के हाँ लेवल प्लेइंग फील्ड में मिलण में का बेहतरी नजर अचे पई फया साहब? मुझे ख्याल में तो बेहतरी के हवाले से सियासी पार्टियों पा ही बुधा सकन थी कंप्लेंट्स उन्होंने पा क्यों एज फॉर एज अस बहसियत साफ़ी जे शन के दिसूं था पिया वो पा गुजरल प्रोग्राम में भी वह गाल कई हुई पाकिस्तान की तारीख में हेल्थ जो भी इलेक्शन्स थन उन इलेक्शन के बारे में ये राय समूर सियासतदान जहाँ तजे निगार तोड़े इंटरनेशनल तोड़े नेशनल ऑब्जर्वर्स के जी तो फ्री ए फेयर इलेक्शन असण एक वो मसलो आ फ्री न थी हुजन ए फेयर भी न थी हुजन फ्री जो नी हुजन तो इलेक्शन का पे थे तो भाई जो हाँ जो सुप्रीम कोर्ट ए पाकिस्तान बार काउंसिल के बारे में तुम गुफ्तगू कई मतलब इलेक्शन के अंदर जो तकबंद कंते एतराज उथारे छन हालांकि यो कम बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज के करण खपन पर पॉलिटिकल पार्टीज के बजाय यो असे बार एसोसिएशन खड़ी आयो उन्होंने अंग अखर खड़ी आया किथे किथे जो है इनमें जिले में सागी पॉपुलेशन होंदे उतो तक रखो तो बे जिले में जो ओतरी लगभग पॉपुलेशन होंदे उत
बतक क्या तो एक तक बतक पॉपुलेशन सागी इन तरह जो अंग अखर असो बार एसोसिएशन दिन पे उनते वर्कआउट करने की जरूरत है पर बहर उ खुद इन गाल की निशानदेही करे तो पो अस फेयर इलेक्शन जो तस्वुर जो है वो को पो नजर अचे ए पाकिस्तान के अंदर जो तुम दिठो जै मियाँ साहब जो वह हुआ बलोचिस्तान उत्ते जो है इलेक्टेबल ऐलान किया हुआ उन वक्त भी मुल्क के अंदर सभी तज निगार तोड़े मुल्क के अंदर आम मानू के यो समझ में आयो पे तो भाई जो है इन को इशारो मिलो ते कर ये सभी जगह सियासतदान पाकिस्तान सियासतदान की ब्रीड है जिनके बारे में यो चयो वजे तो पो तो उनके जैस ते इशारो मिलो उनके को हवाओं जो रुख मालूम थी उन हिसाब से वो फैसला कह यो भी पाकिस्तान के अंदर एक वाइडली एक्सेप्टेड फैक्ट आ जैके मानू उनमें बिलीव कन था अस यो तासुर बिल्कुल स्ट्रांगली जुड़ल आड़ा मानून उनके बारे में यो आ भाई उनके को इशारो मिल या वो हवाओं जो रुख समझा उन बुनियाद वो फैसला कह तो हाँ जैसे वो हवाओं केर तो हलए वो इशारा केर तो दे उनके बारे में भी मुल्क के अंदर सभी मानू के खबर बिल्कुल इन ते इन वक्त पे वडी डिबेट्स एंड डिस्कशंस हलन पे इमदाद साहब छा उननी तवा खा पे उन वाले लेवल प्लेइंग फील्ड जी जने पाण गाल कयो पे तवा चो त हर पार्टी जी जको है लेवल प्लेइंग फील्ड जी पेंजी डेफिनेशन आ है पर बहरहाल उन बावजूद बे शिकायतू कन थियो त असा के लेवल प्लेइंग फील्ड नथी मिले त हाण भी उन जो शिकायतू बरकरार तवा के नजर अचंतु या हाण समूरी जकी तवज्जो है वा बे पासे थी वई है समूरी सियासी पार्टीज जी न वक्त न शिकायतूं त सभिनी जी पंहिंजी पंहिंजी जाइ ते मौजूद आहिनि पर हिकिड़ो ख़तरो आहे हिकिड़ो ख़दशो आहे जंहिंजे करे उहे हाणे उन शिकायत खे उन लेवल ते नथियूं खणनि ख़दशो इहो आहे त किथे चूंडूं न मुलतवी थी वञनि चूंडूं छाकाणि कुझु कुवतूं चाहिनि थियूं त चूंडूं जेके आहिनि उहे न थियनि उन लाइ कोशिशूं थियूं बि सुप्रीम कोर्ट में कोशिशूं नाकाम बणायूं उनजे करे अवां ॾिसो जॾहिं ही बार एसोसिएशन या बार काउंसिल्स जी जेके प्रेस रिलीज़ आयूं आहिनि कल्ह ओचितो ओचितो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पाकिस्तान बार काउंसिल सिंध बार काउंसिल पंजाब बार काउंसिल इन्हनि सभिनी हिकिड़ी मुताल जेको आहे डिमांड कई आहे त चीफ सेशन कमिश्नर रिज़ाइन करे हाणे उन में इशू सिर्फ़ हिकिड़े ज़िले जो आहे हाफ़िज़ाबाद ऐं जहलम जो ऐं उन में बि इलेक्शन कमीशन ॿुधाए छॾियो आहे त फार्मूला मुताबिक़ जेका हिकिड़ी परसेंटेज ठहे थी आबादीअ में थोरो घणो फ़र्क़ु जेकर आहे बि त हिकिड़ी परसेंटेज ताईं हिकु त करंदो जेकर उन खां पोइ वधे थो को अगरि हिकु परसेंट वधी थो वञे पर के पंजाह परसेंट ते पंजाह परसेंट ते वञे थो त उते ॿ तक थियनि था सो उहो हिकिड़ो फार्मूलो पहिरियों खां तय थियल फार्मूलो हुयो उन फार्मूले तहत ई सॼे मुल्क में इलेक्शन जी तकमंदियूं थियूं आहिनि हाणे हिन में ॾिसण जी ॻाल्हि इहा आहे त हीउ मामिलो खयो आहे जेको बाज़ारि नज़र अचे थो हाफ़िज़ाबाद जे तकनि जे हवाले सां हाफ़िज़ाबाद एसन भोन जो ज़िलो आहे एसन भोन सुप्रीम कोर्ट बार जा साबित सदस्य रही चुका आहिनि ऐं पंहिंजो बासर वकील आहिनि हुन पीपुल्स पार्टी सां तालुक रहियो आहे मुस्लिम लीग नून सां विझाराया आहिनि सो चयो इहो पियो वञे ऐं जेके सोर्सिस ॿुधाइनि था इलेक्शन कमीशन जा त उहो एसन भोन इहो सॼो जेका आहे न इहा नई मूव कराई आहे सो इन जे पोयां इनखे पोलिटिकल पार्टी सम्झी वरितो हुयो त जेकॾहिं इन इन मामले खे सपोर्ट कबो त वरी चूंडूं खटाइण पइजी वेंदी उनजे करे फ़िलहालु पाकिस्तान जी तारीख़ आहे जेकॾहिं चूंडूं पंहिंजे वक़्त ते नथियूं थियनि टे महीना डिले थी वियूं आहिनि त पोइ वरी अॻियां वधीक टे महीना डिले करे अॻियां वधीक टे महीना डिले करे हिते यारहं यारहं साल चूंडूं रहनि थियूं अॻु में असांजे मौजूदा केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ते बि पिटिशन दाख़िल थी चुकी आहे त हुनजो 15 नवंबर ते मुदो आईनी जेको आहे ख़तमु थी वियो आहे बहरहाल जी दादा साहब तव्हां कंप्लीट करणु चाहियो पिया इहो प्रोग्राम अॻिते वधूंसीं जी जी प्लीज़ जी मां मूं गुज़ारिश कयां थी त इहो हिकिड़ो शक आहे इहो ख़तरो आहे जंहिंजे करे पोलिटिकल पार्टी जेके आहिनि उहे हाणे इन इन ॻाल्हि ते जेको आहे फोकस आहिनि हर सूरत चूंडूं थियनि ऐं अॻिते हली असां ॾिसंदव त पोलिटिकल पार्टीज़ जीअं इलेक्शन वारो प्रोसेस थींदो इलेक्शन कैंपेन शुरू थींदी जलसा वलसा थींदा त वरी असांजी शिकायत तव्हांखे साम्हूं तमामु घणो ज़ोर सां नज़र ईंदी लेवल प्लेइंग फील्ड जी त हाणे तव्हांखे पोइ वधीक जीअं तव्हां चओ था लेवल प्लेइंग फील्ड वारो मामिलो थधो नज़र अचे पियो ऐं मुख़्तलिफ़ तव्हां उनमें रीज़न्स बि ॼाणाया त हाणे फ़ियाज़ साहब तव्हांजी तरफ़ बि अचणु चाहींदसि तव्हां ॾाढो ई सुवालु कंदसि त पंहिंजो फोकस तव्हांखे घणो ईअं त असांजा एनलिस्ट तजी निगारनि जी बि ॻाल्हि कयूं या हर माण्हू चाहे थो त फ्री एंड फेयर इलेक्शन्स थियनि छा तव्हां सम्झो था त हाणे ईंदड़ ॾींहंनि में हिननि समूरी सियासी पार्टीज़ जो फोकस
फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ होंद वाकई में फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहन था या जस्ट उन एज अ हथियार या एज अ बहानो यूज कैंकी कारकर्दगी के वी मुझे ख्याल में बई गाल होंद जो अमदाद साहब को गुजरल प्रोग्राम में चो तो फ्री एंड फेयर की डेफिनेशन हर पॉलिटिकल पार्टी वी यकीनी तौर से वो जो इलेक्शन है जो बल्कि सियासत है या तो तयू जो पिक कर चूज कर जो तीन फेवर में होजन उन्होंने तड़े से प्रेजेंट कर जो मांग के सच उ लगे जो तुधायण चाहो था तो इो ही सियासत में होंद सी दुनिया की सियासत में ये थन्द हर को मूँ पैं पैं हिस्से जो सच खी वो बुधाने की कोशिश क्या पर असा वट तो सच भी को बुधा वे असा वट सो मामलो वो मुंझाए कर पेश किया तो वे यकीनी तौर से उन हवा से उनको सबब यो जो असा वट अना ते इदारा जो मिसाल तौर असि इलेक्शन कमीशन आ या असि बया इदारा उन बारे में यो तासुरात वो फैसला नथा कन मिसाल तौर ही जका पीटीआई के बारे में जो कुछ मूव थे पी जो पीटीआई के कंप्लेन आ उन बानी चेयरमैन जो उन बारे में या उनके बहुत मून या जो ही असो जो 102 मू जो 103 में चुनाव होजन घुर्जन उ बारे में उ फैसला असाजे यो तासुर मतलब हकीकत की हद तक यो तासुर इंतहा स्ट्रॉन्ग किस्म जो परसेप्शन है तो ये फैसला असाजे इलेक्शन कमीशन या इन इदार न क्या या असि कोर्ट न क्या ये दरअसल फैसला असाजे बेन इदार क्या जन ख्याल जैसे कर इदार सेंक्टिटी लताड़ी वही उन नौ मई से तो असा बया इदारा भी उनकी सपोर्ट में उनके चैन पाया तो भाई ठीक है एक इदारा असि सेंक्टिटी लताड़ी हुई तो बेसिकली असा वट जदार ऑटोनमस पोजिशन है वह नैब का वी इलेक्शन कमीशन का वी अस विभिन्न अदालतों के बारे में भी असो हाँ बिल्कुल इदार ऑटोनमस होजन तमाम जरूरी है हर जमहूरियत पसंद मू यो चाहे तो इलेक्शन वक्त थे फ्री एंड फेयर इलेक्शन थे प्रोग्राम में अगते बदूँ था नाजरीन अहमदाद साहब तवी तरफ आंदस तो एक बी भी डेवलपमेंट असा नजर आई सरफराज बंगल जई साहब जिनो तालुक पाबंदी मढ़ल तंजीम से हो अज उनको है सरफराज बंगल जई ए साथिन मिली कर निगरान वजीर जान अचक जई से प्रेस कॉन्फ्रेंस कई जैमें उन्होंने ऐलान किया 70 साथिन समेत तो हू कौमी धारा में शामिल थी चुका है सो इन डेवलपमेंट के अवां की दिसो पाया अंदाज साहब केतरी या डेवलपमेंट सिग्निफिकेंस रखे पई अरो किरिया में सो जेकर रियासत या कोशिश करे पई त जेके नाराज मानु हन जिन मुसल्ला थी हन जेके रियासत के खिलाफ हथियारबंदी जद जदोजहद कन था जेकर उनन के गालिन के जरिए उनन एग्रीमेंट से उनन जा तहफुजात खत्म करे उन्हें जो पुरमन जिंदगी गुजारण लाइ आमादा कर वे तो सुठी गाल है पर इहा काफी कोने असल मसलो यो है तो जेके मसला आहिन बलोचिस्तान जा जेका सूरताल बलोचिस्तान में आए बलोचिस्तान में अमनोमान कोने बलोचिस्तान में इंसान इंसानन वाली जिंदगी कोन पिया गुजारी बलोचिस्तान में कानून नाले का शय कोने बलोचिस्तान में इवन जो चूंडू थियन थी उसे भी चूंडू ओड़ी नथी थन जो सिंध में या पंजाब में थीन थी उसे तो बिल्कुल एक बे तरह जो उसो निजाम है लाकानूनियत है वे पैमाने से सो मू तो उतार वा इंसानी जिंदगी इंसान जड़ी जिंदगी जीण जो हक था घुरन सो उनको इो कदम है यो सुो असन कदम है पर उनसा गड अड़ा अड़ा जो कम भी थन घुर्जन जैसा केर सुने को नौजवान हथियार न खड़े अवान को वो लॉन्ग मार्च जो है वो बलोचिस्तान का शुरू है शुरू थो है वो वे तो इस्लामाबाद उनकी गाल बुधनी पवी उनके विहारण पवो उन नापाक मकसद बलोच मायर भेनर नौजवान के इस्तेमाल कन पाया जी बिल्कुल दिसो जदा नाराज थींदा मानू पंजे रियासत का पंजे मुल्क का दुश्मन के तो वो सब सभी का सॉफ्ट टारगेट होंगे इंडिया इशारो होंगे बिल्कुल यह गाल रही है जे मुल्क में पंजे मानू के जरिए सियासी अमल के जरिए राजी कर नाराज करेंगेज ना कर दुश्मन के मौको मिलो दुश्मन आसिफ जरदारी साहब की तुर्बत में तकरीर हुई उन्होंने तो इस्लामाबाद जो है वो बलोचिस्तान के समझे नो वो सिंध के समझे नो इस्लामाबाद में जो वेठल बाबू उन्होंने सूरत हाल के
गहराई से दिसणो पवंदो सोचणो पवंदो समझणो पवंदो त पोइ मुस्तक़बिल में का अच्छा जरे भी चूंडू वेझो ईंदो आहिनि त सियासतदानन जो रुख असीं ॾिठो आहे त काफ़ी दफ़ा ऐं मोस्टली असांखे नज़र आयो आहे त बलोचिस्तान जे तरफ़ जेको आहे हू हलिया वेंदा आहिनि कॾहिं इलेक्टेबल्स खणी अचनि था या कॾहिं उतां जा जेके पार्टीज़ जा मेंबर्स आहिनि उहे इन्हनि पार्टीज़ में ॿियूं जेके पार्टीज़ आहिनि मेजर पीपल्स पार्टी थी वई या ॿियूं पीएमएल आहिनि त हुन में शामिलु थी वञनि था. इमदाद साहब, डू यू थिंक त हीअ जॾहिं पार्टीज़ वेंदियूं आहिनि उते इलेक्शन जॾहिं वेझो ईंदी आहे त हीअ बलोचिस्तान मां असां ॾिठो आहे मेंबर्स हिननि में शामिलु थियनि था, पर हिकु सुठे नमूने हिननि सियासतदाननि बलोचिस्तान जे केस खे टेकअप कंदे तव्हांखे नज़र आया आहिनि? हुननि जा रियल इशूज़ उजागर कंदे हीअ सियासतदान जेके हाणे वञी करे उते तकरीरूं कनि था? न, इहा बदकिस्मती आहे. हिन में जेकॾहिं थोरो घणो रहियो आहे किरदार त आसिफ़ ज़रदारी साहब जी जेका पोइ हुकूमत हुई 2008 वारी, आगाज हुकूमत बलोचिस्तान बलोचन खां माफ़ी घुरण, उनखां पोइ उते काफ़ी सारा उन्हनि जेके गवर्नर जे पोइ इख़्तियार वरी वसीलनि ते जेको आहे 50 तलमीम जे ज़रिए सूबनि जो हक़ तस्लीम कराइण, सो उन ते कुझु घणो कमु थियो आहे. पर जंहिं लेवल ते थियणु घुरिजे, जेतिरी संजीदगी नज़र अचणु घुरिजे, उहा न आहे. रुगो इलेक्शन जे टाइम ते वञी वादा वरी करण को जेको आहे उहा मतिलब रिवायती ॻाल्हि थी वई. इलेक्शन वेझो अची वई ऐं तव्हां उन्हनि ऑप्रेस रीजन्स में वञो था त एतिरो ख़ासि असरु पवे कोन थो. फ़ियाज़ साहब, अव्हांजो छा चवण आहे हिन हवाले सां? हिकु तरफ़ इस्लामाबाद तरफ़ हिकु वॾो मार्च बि थिए पियो, प्रोटेस्ट थिए पियो, हुनजो डिमांड्स तमामु क्लियर आहिनि. ॿिए तरफ़ सरफराज़ बंगुलज़ई वारी डेवलपमेंट खे अव्हां कीअं ॾिसो पिया? सरफराज़ बंगुलज़ई वारी डेवलपमेंट खे मां उन लॉन्ग मार्च जे काउंटर में ॾिसां थो पियो. त उहो उनखे सिर्फ़ु इहो तासुर ॾियण जी कोशिशि कई वई आहे त बलोचिस्तान जे अंदरि हिकिड़ा माण्हू आहिनि जेके इन औरतुनि जे मार्च खे पसंदि नथा कनि ऐं उहे रिवायती ते जेका आहे ट्रेडिशनल जेके आहिनि उनजे करे ऐं उनजे करे चयो पियो वञे त हिकु तरफ़ ई जेको मार्च थिए पियो, ॿिए तरफ़ जेके आहिनि माण्हू उन नारनि था हथु खणी मेन स्ट्रीम पिया थियनि. त मुंहिंजे ख़्याल में इहो हिकिड़ो काउंटर करण जो पंहिंजो तरीक़ेकार आहे ऐं अहिड़ा ऐलान असां अॻे काफ़ी ॿुधा आहिनि. पर जे इन्हनि ऐलाननि सां जेकॾहिं बलोचिस्तान जे अंदरि पीस अची वञे ऐं उहो अची वञे त तमामु ज़बरदस्त ॻाल्हि आहे. पर जेका इमदाद साहिबु ॻाल्हि कई उहा इम्पोर्टेंट आहे त माण्हुनि जे इशूज़ खे जेकॾहिं ॿुधो न वेंदो ऐं तरह जा ऐलान कराया वेंदा, अहिड़ा ऐलान असां 100 करायूं, 1000 करायूं, बलोचिस्तान जे माण्हुनि जो हिकिड़ा इशूज़ आहिनि जंहिंजो हुन ज़िक्र कयो त ज़रदारी साहिबु पंहिंजी तुरबत वारी स्पीच में बि कयो त इस्लामाबाद बलोचिस्तान ऐं सिंध जे मामले में माण्हुनि जे इशूज़ खे सम्झे ई नथो, उनजे सेंटीमेंट्स खे सम्झे ई नथो. इहा ई ॻाल्हि जेका आहे असां गुज़िरियल केतिरे अरसे खां वठी महसूसु कयूं था पिया त असांजे जेको तस्वुरु आहे रियासत जो माउ वारो तस्वुरु आहे, उहो माउ वारो तस्वुरु असांखे नज़र नथो अचे बलोचन जे बारे में या सिंधियुनि जे बारे में, ऐं केतिरे हद ताईं उहो पश्तूननि जे बारे में बि असांखे नज़र नथो अचे पियो, केतिरे हद ताईं उहो ॿियनि इलाइक़नि जे माण्हुनि जे बारे में बि नज़र नथो अचे पियो. त तंहिं करे रियासत जो जेको तस्वुरु आहे उहो माउ वांगुरु पंहिंजे बचनि खे प्रोटेक्ट कंदी आहे असांजी रियासत खे पंहिंजे समूरनि शहरनि जे लाइ. इहो जेको बुनियादी उनजो सेंस आहे रियासत जो, उन तरह जेसि ताईं रियासत न कंदी तेसि ताईं इहे मामला असांखे ईअं थींदा. इन तरह जे ऐलाननि सां मां नथो सम्झां त को मामिलो को हद को मसलो हल थींदो. तव्हां खां बि इहो सवाल बि कंदसि त हीअ ओड़े हिसाब सां टेकअप कंदे हीअ पॉलिटिशियंस बलोचिस्तान पॉलिटिशियंस या जेके इन्हनि जूं डिमांड्स आहिनि मसला आहिनि टेकअप कंदे छो नथा नज़र अचनि? उनजो सबबु आहे लैला, उनजो सबबु इहो आहे त पाकिस्तान जे अंदरि पार्लियामेंट ऐं जमहूरी इदारा सॉवरन अंदाज़ में ऑपरेट न कंदा आहिनि, जंहिंजे करे पाकिस्तान जे निज़ाम खे हाइब्रिड सिस्टम चयो वेंदो आहे. उते असांजी पार्लियामेंट, असांजी सिविल गवर्नमेंट जेका अचे थी पई उहा उहे ऑपरेट न करे सघंदी आहे केतिरनि मामलनि में, ऐं बलोचिस्तान जे हवाले सां त ख़ासि तरह उते जेका गिवन सिचुएशन आहे, छाकाणि त इहो बि हिकिड़ो फैक्ट आहे जेका अहमदाद साहिबु जंहिं ॻाल्हि जो ज़िक्र कयो त उन्हनि माण्हुनि जी असांजे माण्हुनि जी जेके नाराज़गियूं आहिनि उनजे करे उते असांजो दुश्मन मुल्क पंहिंजी जेका उनजी बि पेनिट्रेशन आहे उहा बि हिकिड़ी फैक्ट आहे. पर उनजे करे असां पंहिंजे माण्हुनि खे ॾहाकनि खां, हिकु ॾींहं जी ॻाल्हि न आहे, को 100 ॾींहं जी ॻाल्हि न आहे, 1000 ॾींहं जी ॻाल्हि, ॾहाकनि खां असां इहे माण्हू जेके आहिनि इहे उन्हनि खे असां राज़ी न करे सघिया आहियूं, रिझाए न सघिया आहियूं. तंहिं करे असांखे इहो पॉलिसी शिफ्ट आणणी पवंदी ऐं मां इमदाद साहिब इन ॻाल्हि खे अॻिते वधाईंदे चवंदुमि त इहो पॉलिसी शिफ्ट आसिफ अली ज़रदारी साहिबु जॾहिं प्रेसिडेंट हुया उन्हनि आंदी, हुननि बहसियत हेड ऑफ द स्टेट बलोचिस्तान जे माण्हुनि खां माफ़ी घुरी, हुननि जेको आहे बलोचिस्तान जे लाइ आगाज़ हुकूमत बलोचिस्तान जो ऐलान कयो, हुननि जेको आहे बलोचिस्तान जो शेयर NFC में जेको 6% पॉपुलेशन जे हिसाब सां ठहियो पए उनखे वधाए 9.5% कयो, ऐं हाणे बि उतुरबत में इहा ॻाल्हि हुननि जेका कई आहे त भई इस्लामाबाद ऐं नथो सम्झे. उनजो मतिलबु इहो आहे त असां पॉलिटिशियंस खे जेकॾहिं इजाज़त ॾिनी वञे ऐं उनखे ऑटोनॉमी ॾिनी वञे त बलोचिस्तान जो मसलो ॻाल्हियुनि जे ज़रिए इस्लामाबाद जी तरफ़ जेको मार्च वञे थो हुन में वॾी तादाद बलोच औरतुनि जी बि आहे ऐं इहा इट्सेल्फ पाण हिकु वॾी असीं चऊं त डेवलपमेंट आहे. इनखे तव्हां जेको आहे कहिड़े कॉन्टेक्स्ट में ॾिसो पिया? ॾिसो, इहा असांजी
अफसोसनाक सूरत असो मायरों असो भेनरों उे मायर पीर भाईर या पैं मुड़सन पैं बच्चन जैसे रोडन से निकरन थे उन्होंने तहफुज ला अफसोस ही करे तो अच्छा आखिरी लाइटर सवाल लाइट सवाल है मुझे तमाम बिन्हीं तज्ज निगारन का अटकल असा के मौजूदा निगरा वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ सा वो यूनिवर्सिटीज में सरगरम नजर अचन पे अहमदाद साहब एजेंडा उन्होंने नजर अचे पो सुठी गाल है नौजवान से वही कर इंटरेक्ट करन स्टूडेंट्स यूनियंस के तो बहाल अना तक थी सकू आन तीन इंटरेक्शन के तीन दसो पाए कंसाइज ही कुछ इन चई सको नई मसल हेड ऑफ गवर्नमेंट इंटरेक्ट कर सुनो अमल पर हाँ इनके पोया मुख्य लगे यो थो तो इनके पोया जो एक नसल तैयार कई वही हुई मतलब पीटीआई लाइक चेयरमैन पीटीआई लाइ उन काउंटर नैरेटिव दियण है उनके बारो है बाबा वो सब कुछ को मुझे ख्याल है उन नियत से काकर साहब ये एक्टिविटीज कन पा पर उन हटी इन किस्म की एक्टिविटीज थे घुर्जन असाजे बार मुस्तबिल उनके संभालो है तो उनके सियासतदान जे रियासत जो हुकूमत जहा नुमाइंदा उनके वही उनको ख्याल जे उन आगाही हासिल कर घुर्जे तो बार पे सोचे नई नकल पे सोचे देर से ख्याल ना आयो जी देर से ख्याल ना आयो नौजवानन से इंटरेक्ट करण जो वही करे मिलन जो ब्या सियासतदान सियासत में घणो मसरूफ नजर अचनता नौजवान किथे आन उनन जे एजेंडा में समाजी में यो थींदो रहयो आहे यो कुछ हद से खा यो जो गैर सियासी कहबो समाज के माजी में यो थींदो रहयो आहे माजी में पॉलिटिकल लीडर्स वींदा रहया आहिनि माजी में हुकुमरान वींदा रहया आहिनि पर जो यूनिवर्सिटी में वञी ॿारनि सां कंदा रहया आहिनि तकलीफ की सूरत में अभी की सूरत में या स्टूडेंट पॉलिटिक्स की सूरत में पर ही काफी जावलत के दौर का जो है उनमें काफी वो गैप अची है सो सुठी गाल है देर सही ख्याल आयो है पर ठीक गाल है ठीक है देर आयो दुरुस्त है फैसा वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग इन हवाले से मुझे ख्याल में तो ही लैला निसार जी उन कॉपी तो करे पियो अच्छा ओके ठीक है बिकॉज़ यूनिवर्सिटीज में शो ता यूनिवर्सिटीज में शो शुरू कयो आ त हुन यूनिवर्सिटी में नट इंस्पिरेशन हासिल करे मुके त बाकी उन खा देख रियो कर ओके फयाज साहब एंडिंग द पॉइंट ऑन अ वेरी लाइटर नोट थैंक यू वेरी मच इमदाद साहब एंड थैंक यू सो मच फयाज साहब टाइम जे लाइ सो नाज़रीन ही हुयो खबरूं एंड डेवलपमेंट्स तमा जे आरो रखियो इलेक्शन जो वक्त नजदीक आ है हर डी जेको है का नई डेवलपमेंट सामू अचे थी का नई खबर सामू अचे थी असि पूरी कोशिश कंदे तो हर डी में सब शेयर सब अपडेट्स तवा ती बायदा तौर पर दिलचस्प तज्जियन समेत पुजाएं सो इजाजत दींदा मुलाकात थी सुबह अला।